अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरूख हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तब भी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के जहन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 5 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसे पेमाइश कर सकते हैं टेम्परेचर की। तो सबसे पहले इसमें टर्म आ जाती है वो है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस चाहिए होता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए स्केल वी चूज़ ए सब्सटेंस विद ए प्रॉपर्टी विच चेंजेस विद द टेम्परेचर। हमें एक ऐसी एक सब्सटेंस, ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसी एक शय की ज़रूरत होती है टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ वो चेंज हो, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें उस चेंज के कि इतना टेम्परेचर हमने चेंज किया है तो इतना इसमें चेंज आया था, ठीक है, इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में या इस थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस में उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। और सेकंड में हमारे पास आ जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये हम बहुत कॉमनली हमारे ये यूज़ होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों का हम किस तरह इस्तेमाल करके हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। तो उसके लिए हम देखते हैं, अगर हम थर्मोमीटर को देखें तो थर्मोमीटर में हमारे पास ये उसका स्ट्रक्चर इस तरह करके होता है। ये थर्मोमीटर है, इसमें हमारे पास एक अंदर करके ना ये थर्मो ग्लास के अंदर ये एक पाइप होता है, अब ये पाइप के अंदर इसका क्या काम होता है, इस पाइप के अंदर ये नीचे वाले हिस्से में थर्मोमीटर की जो टिप होती है उसमें हमारे पास एक थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मरकरी इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ये एक इकलौती ऐसी मेटल है और ज़रा सा टेम्परेचर चेंज होने पर ये एक्सपेंड करती है, वो जो एक्सपेंशन है या जब ये ठंडी होती है तो ये कंप्रेस हो जाती है खुद ब खुद। तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इस ट्यूब में हमारे पास इधर टिप में हम मरकरी भर देते हैं, तो जब हमने टेम्परेचर मेजर करना होता है तो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो थर्मामीटर को जब उस चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं जिसका हमने टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसकी हीट इसमें जाएगी और इसका टेम्परेचर चेंज होगा और ये गर्म होके ये एक्सपेंड करेगा। अब ये एक्सपेंड करते हुए इस पाइप में ऊपर आएगा। अब ये पाइप है, इसके इधर ना रीडिंग्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ रीडिंग्स लगी होती हैं कि अगर इतनी ऊंचाई आई तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, अगर इतनी ऊंचाई आई तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, अगर इतनी ऊंचाई है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो इस तरह हम कंपैरिजन करके चेंज के अंदर हम एक स्केल को भी इस्तेमाल करते हैं, हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर लेते हैं। इसी तरह वो एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसमें थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी कि वो एक्सपेंड होता है हीट के साथ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसमें एक्सपेंशन होगी या उतना ही वो हाई कॉलम के ऊपर आएगा। इसी चीज़ को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक और इस्तेमाल होता है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, थर्मोमीटर इस्तेमाल नहीं करते छोटे बच्चों के लिए, वो एक स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर इस तरह करके ना बॉक्सेस बने होते हैं और ऊपर करके ना उन्होंने कुछ रीडिंग दी होती है जो उनकी रीडिंग्स होती हैं। अब होता क्या है, वो बच्चों के फोरहेड पर माथे पर वो जब ये स्ट्रिप को लगाते हैं, इसके अंदर जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है उसका ये होता है कि वो एक ख़ास टेम्परेचर पर आकर अपना कलर चेंज कर देता है।
तो क्या है कि यहाँ पर आकर अगर उसने कलर चेंज किया और यहाँ पे कुछ चेंज किया, तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू, उसके टेम्परेचर कितना है उतना है। तो इसकी इसमें हमारे पास थर्मोमीटर की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कलर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसमें हम किस तरह मैथमेटिकली हम इसको देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक जेड क्या है, ये हमारे पास कोई थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। ये हमारे पास थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है और टी क्या है, हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, चूंकि टेम्परेचर चेंज होने से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी या थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, यानी इसके अंदर चेंज आने से इसमें चेंज आता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लीनियर रिलेशन से भी हम इसको जाहिर कर सकते हैं कि ये इसका फंक्शन है। तो ए टी इज इक्वल्स टू ए इंटू जी प्लस बी। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताया और इसमें ए और बी कांस्टेंट है। ये बिल्कुल एक लीनियर रिलेशन है, जिस तरह हमारे पास आता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये सेम वही रिलेशन मैंने किया, इसमें m और c हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, x और y वेरिएबल है और y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह इसमें भी t की या टेम्परेचर की वैल्यू इस थर्मामेट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम लेट सपोज कर लेते हैं क्या कि हमारे पास दो सिस्टम है, लेट वी हैव टू सिस्टम्स। तो सिस्टम वन के लिए आएगा जो टी वन है वो आ जाएगा ए जेड वन प्लस बी, और टी टू के लिए आएगा ए जेड टू प्लस बी। मैंने बताया ए और बी कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, चेंज हमने निकालनी है टेम्परेचर में, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल टी विच इज़ इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन, यह आ जाएगा हमारे पास ये वाली माइनस ये वाली। तो ए जेड टू प्लस बी माइनस ए जेड वन प्लस बी। अब ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी प्लस बी इस माइनस बी से कट जाएगा, इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल टी इज इक्वल्स टू ए इंटू डेल जी। अब ये कांस्टेंट है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल जी। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि वाकई क्या है, टेम्परेचर जैसे ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।